पशुपालन विभाग जिला सोलन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिला सोलन के धरोट पंचायत में पिछले करीब 30 वर्षों से सरकारी भूमि पर पशु औषधालय की मांग यहां के चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन विभाग की लक्चर कार्य प्रणाली के चलते ये मांग ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। धरोट पंचायत के प्रधान का आरोप है कि कई बार वह सभी दस्तावेज संबंधित विभाग के पास जमा करवा चुके हैं, लेकिन विभाग है कि आगामी कार्यवाही करने से गुरेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह कई बार दस्तावेज जमा करवाकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन विभाग है कि बार बार वो ही प्रक्रिया दोहराने को कहता है। पंचायत प्रधान ने कहा कि विभाग उनकी पंचायत में आगामी कार्यवाही के लिए नहीं आ रहा है। वह साथ ही बार बार उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले कई बार विभाग के पास जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से विभाग कार्य करता होगा जब एक पंचायत प्रधान की एड़ियां घिस गई, लेकिन धरोट पंचायत में वह पशु औषधालय का निर्माण नहीं करवा सके। किस ढंग से इस डिपार्टमेंट में काम होता है आज मुझे बहुत दुख लगा है। 90 से लेके जो एक व्यक्ति बार बार किसी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता हो, वो किस ढंग से ये सरकार काम करती है या डिपार्टमेंट काम करता है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और आज मुझे 2-3 बारी रोना आ गया इस बात पर कि मैं क्यों प्रधान बना जो मैं पब्लिक के काम कन्विंस नहीं कर सका। मेरी समस्या ये है कि मैं 1990 में उप प्रधान बना, उसके बाद 98 में फिर उपप्रधान बना, फिर कार्यवाहक प्रधान बना, उसके बाद ब्लॉक समिति मेंबर बना और आज फिर मैं प्रधान हूँ जी। और मेरे से पहले भी 3 प्रधान रहे। हम वेटनरी जो हमारा सब सेंटर पशु चिकित्सालय धरोट में ग्राम लोहोग में था, उसके लिए हम सड़क के साथ जगह का चयन कर किया था हमने और डिमांड कर रहे थे भी यहाँ पर ये जो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है इसको हम सरकारी जमीन में बनाना चाहते थे, जिसकी 4 ग्राम सभा NOC मेरे टाइम में अभी दे चुकी है। यहाँ हम आते हैं जी 90 से लेके हमारी फाइल का पता नहीं चलता अभी वो कहाँ जाती है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।